पीढ़ियों से इस रामलीला से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमारे बाप दादा परदादा विद्धव परदादा 1800 आज से 475 वर्ष पूर्व ये रामलीला प्रारंभ हुआ था। आज ये 475वां वर्ष इस रामलीला का है। इस रामलीला के संस्थापक मेघा भगत को इसी चौतरे पर भगवान का दर्शन हुआ था, उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। इसी रामलीला के मानव रूपी हनुमान वर्णा नदी लांग गए और भयभीत हो गए और पीछे ताके बेहोश हो गए, उनका भी प्राणांत हो गया। चार देखिए ये हजारों की संख्या में काशी के यादव यदुवंश के लोग इस भारी भरकम रथ को नंगे पांव अपने कंधे पर लेकर चलते हैं। ये पूरे दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग शुरू से हमारे पूर्वज ही ये इसको इस प्रथा को चलते चले आ रहे हैं, उसको हम लोग भी अपने शुरू से ये करते चले आ रहे हैं कि अपने बच्चों को साथ में लेकर आते हैं, उनको भी ये इसको इसके बारे में बताते हैं ताकि ये आगे चल के हमारे बाद ये इस प्रथा को निभाते चले जाए। यहाँ से हम लोग नाटी इमली भरत मिलाप से उठा के ये गणेश जी लेके जाते हैं, वहाँ पर रथ को जाके वहाँ पर लगाते हैं भगवान। अच्छा, धर्म की माला में परंपराओं को सजो कर रखने वाली काशी में आज एक ऐसे लखा मेले का आयोजन किया गया है जिसमें भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के साथ उनके चारों भाइयों की मौजूदगी स्वयं रहती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक लगभग 475 साल पुरानी इस रामलीला में आज का जो भरत मिलाप है वो अद्भुत होता है। आप हमारे पीछे साफ देख सकते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र अपने चारों भाइयों के साथ दर्शन दे रहे हैं और इस भरत मिलाप को देखने के लिए लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों की भीड़ दोपहर 2 बजे से डटी हुई है। महज 5 मिनट का ये भरत मिलाप होता है जिसका आनंद लेने के लिए काशी के दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर आके प्रभु श्री राम का